ज़्यादा बढ़िया है। एंड थोड़ा सा अगर हम पुश भी करके देखें टर्बो इंजन, सो ये देखिए इसकी पावर भी बहुत अच्छी है। पावर की अगर मैं बात करता हूँ 110 इसकी पावर मिलती है, ठीक है, और 190 इसका टॉप लेवल है। मतलब देखिए अभी मैं थर्ड गियर पे हूँ एंड मैं आराम से 90 तक जा रहा हूँ, तब भी कार जो है बिल्कुल स्ट्रगल नहीं कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट इस चैनल का सेचित सहोत्रा, और बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, जहाँ पे हमारे साथ खड़ी है दी सिट्रन बसाज, जो इनका लेटेस्ट मॉडल है सिट्रन का, चंडीगढ़ वाले शोरूम में आज ही जो है इसका लॉन्च हुआ है। वैसे आपने बहुत सारी इसकी फोटोज़ वीडियोज़ वगैरह सब ड्राइव वगैरह इंप्रेशन देख लिए होंगे, पर मेरे चैनल पे ये हो रही है पहली बार फीचर, सो इसका करेंगे आज हम कंप्लीट वॉक अराउंड विद आपका ड्राइव इंप्रेशन। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। आइए करते हैं फटाफट से पूरा क्विक वॉक अराउंड। सबसे पहले अगर आप इसकी चाबी की बात करेंगे, ऐसी कुछ शानदार सी नाइस इंटरसेप्टर, ऐसी कुछ आपको शानदार सी चाबी देखने को मिल जाती है, जिसमें लॉक एंड अनलॉक का बटन है, फ्लिप की आपको देखने को मिल जाती है, प्लस यहाँ पे सिट्रन का अच्छा खासा लोगो, थोड़ी सी न्यू सी शेप की इन्होंने चाबी यहाँ पे दी है। अब जैसे हम कार अगर कर देते हैं यहाँ से लॉक, सो एक बार ब्लिंक होता है, अनलॉक करेंगे सो ऐसे कर दो बार ब्लिंक होता है, कोई साउंड वगैरह आपको नहीं सुनने को मिलती। बहुत ही शानदार इसमें टर्बो इंजन आता है, जो सेम आपका C3 एयरक्रॉस में आपको देखने को मिला था। मैंने जो उस टाइम रिव्यू करा था, तब भी मैंने बताया था कि बहुत ही शानदार इंजन है, आप इसको चला के देखिए, जेन्युइनली बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ये आपको लगेगा। ओवरऑल C3 जो एयरक्रॉस है उसी के ऊपर बेस्ड है ये। जैसे यहाँ पे C3 खड़ी है तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा आपको फ़र्क देखने को ही पता लग जाएगा, थोड़ी सी ये ब्रॉड है, थोड़ी सी बढ़िया है, प्लस ये है एक SUV कूपे, सो SUV कूपे है, दैट मीन्स यहाँ से आप इसका एक बार लुक देखिए कितना शानदार ये लुक लग रहा है, प्लस ये ग्रे कलर में तो और भी ज़्यादा अच्छी लग रही है। यहाँ से आप इसके टेल लैम्प देखेंगे, ये है इसका असली जो है अट्रैक्शन, बिकॉज ये जेन्युइनली बहुत ही ज़्यादा बढ़िया पीछे से लुक दे रहा है इसको। अब अगर आप इसको देखना चाहें, इसकी जो अगर हम हेडलैम्प्स और टेल लैम्प्स अगर हम ऑन कर लें, तब ये कैसी लगती है, सो ये टॉप एंड वेरिएंट है ये, सो इसके अंदर आपको प्रोजेक्टर सेटअप, LED DRLs वो सब देखने को मिलेंगे। सो एक बार जैसे हमने ये ऑन कर दी हैं, सो अभी दिन हो रहा है तो मे भी आपको इतना ज़्यादा ना लगे पता, पर मैं एक्सपोजर कम कर देता हूँ थोड़ा सा, एंड पार्किंग लैम्प भी जला देता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से जो है इसका पता लग जाए कि क्या कुछ है इसके अंदर। सो देखिए अब हमने यहाँ से करा एक्सपोजर काफ़ी कम कर लिया मैंने इसीलिए दिखाने के लिए, सो ये देखिए ऐसा कुछ शानदार सा पीछे से लुक आ रहा है टेल लैम्प्स का। एंड अगर आप आगे से देखना चाहें, सो ये देखिए ये आपके DRLs पूरे वाइट कलर के मिल जाते हैं विद आपका हेलोजन में इंडिकेटर, जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार यहाँ पे लग रहा है। न्यू कार है, इसकी बैटरी पे रहम खाते हुए इसकी फ़िलहाल हम कर देते हैं लाइट्स वगैरह सब बंद, और वहाँ पे डोर ओपन है, उसकी भी वहाँ पे बैजिंग आ रही है स्पीडोमीटर के अंदर, डिजिटल पूरा क्लस्टर मिलता है, वो अंदर जाके बात करेंगे। फ्रंट में अगर आप देखेंगे ऐसा कुछ शानदार सा सिट्रन का यहाँ पे लोगो आ जाता है विद आपका यहाँ पे क्रोम लाइनिंग, ब्लैक के ऊपर क्रोम यूज़ हुआ है, इधर भी स्ट्रिप्स पूरी आपको क्रोम में ही देखने को मिल जाएगी। फ्रंट के लिए टोइंग हुक इस साइड आ जाता है, ये सामने से अगर आप देखेंगे बहुत ही शानदार सा इन्होंने एयर डैम यहाँ पे दिया है, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा। ये आ जाते हैं इसके फॉग लैम्प्स, पूरे आपका हेलोजन वाली यूनिट ही, बट जो आपके हेड लैम्प्स हैं वो आपको पूरे मिल जाते हैं प्रोजेक्टर सेटअप विद आपका LED, सो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। सो ऐसा कुछ आता है फ्रंट से लुक, प्लस छोटी छोटी चीज़ें जैसे इन्होंने करी हुई है यहाँ पे, जो रेडियन शर्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, प्लस आप साइड में जाएंगे सो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा सा इन्होंने ट्रीटमेंट दिया हुआ है, सो ये यार बहुत ही छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कार के लुक को और ज़्यादा इन्हांस करती है। पीछे से थोड़ी ज़्यादा आवाज़ में भी आ रही होगी, मैं अपने साइड से ट्राई कर रहा हूँ जितना मैं तेज़ बोल सकूँ ताकि वीडियो में आवाज़ जो है वो क्लियर आए। सो देखिए ऐसा कुछ हमने कंप्लीट करा भी इसका कवर फ्रंट से। अब साइड से अगर हम बात करते हैं क्या कुछ कैसे रहता है, सो देखिए टर्न इंडिकेटर्स आपको मिल जाते हैं, ये देखिए ग्रे कलर है बट आपको यहाँ पे पियानो ब्लैक में पूरा मिल जाता है ORVM। सो यहाँ पे आपको इतना ज़्यादा अच्छे से पता नहीं लग रहा होगा बिकॉज कार ऑब्वियसली डार्क कलर में है तो करके आपको नहीं दिख रहा है, बट वैसे यहाँ पे पूरा पियानो ब्लैक में आपको मिरर देखने को मिलेगा, प्लस यहाँ पे ए पिलर पे पूरी मैट फिनिश, बी पिलर पे भी आपको मैट फिनिश अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। बॉडी कलर आपको मिल जाते हैं हैंडल्स, टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट खड़ा है हमारे सामने, सो यहाँ पर आपको अलॉय व्हील्स भी सिट्रन के ही अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं, जिनके अगर प्रोफाइल का टायर की बात करें 205/60 16 इंच का अच्छा खासा टायर विद आपका 16 इंच का अलॉय व्हील। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाती है, रियर में आपको मिल जाती है ड्रम ब्रेक्स, बिकॉज छोटी कार है एंड छोटी कार मतलब ये थोड़ी प्रॉपर SUV सेगमेंट में नहीं आती, एंड प्लस आजकल जो SUVs आ रही हैं, इवन आप Volkswagen की टाइगन देख लीजिए, उसमें भी आपको रियर में जो है ड्रम ब्रेक से देखने को मिलती है, सो ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं होता कि जिस कार में अच्छी वही है, आगे पीछे दोनों में आपको डिस्क ब्रेक मिलती है वही सेफ्टी के लिए अच्छी है। वैसे भी ये कार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, ब्रेकिंग वगैरह आपको दिखा देंगी।
ओवरऑल अगर आप देखेंगे एसयूवी कूपे है, थोड़ा सा नया सेगमेंट है, कर्व आई है अभी टाटा की नई नई, सो उससे डायरेक्ट इसका कंपैरिजन करा जा रहा है बिकॉज दे बोथ आर एसयूवी कूपे, बट इसका मुझे पर्सनली लुक जो है थोड़ा सा बेटर लगा उससे। ये थोड़ी ज़्यादा अंदर से स्पेशियस भी आपको लगेगी अगर आप इसका ट्रंक का स्पेस देखेंगे, अंदर बैठ के स्पेस देखेंगे, एंड छोटी मोटी चीज़ें जैसे रियर सीट में जो इन्होंने अंडरथाई सपोर्ट बढ़ाने का प्रोविजन दिया है, सो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है बिकॉज आप यहाँ से लुक देखेंगे। आपको इसमें आफ्टर मार्केट कुछ भी एसेसरीज लगवाने की जरूरत नहीं है बिकॉज ऑलरेडी ये कार बहुत ज़्यादा इक्विप्ड आती है। यहाँ पे आप देखेंगे टायर में आपको टायर के ऊपर प्लास्टिक की क्लैडिंग अच्छी खासी मिल जाती है, लेफ्ट साइड फ्यूल लिड आ जाता है आपका, प्लस जो है ये जैसे ब्लैक में बी पिलर ए पिलर का यहाँ पे मैट में टच लिया है, सो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। एंड इस साइड आप देखेंगे यहाँ पे भी थोड़ी सी क्रोम इन्होंने दी है डोर प्रोटेक्टर्स के ऊपर, सो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। साइड से ऐसा कुछ आता है लुक। अब बात करते हैं इसके मेन यानी रियर लुक की। सो देखिए ऐसे कुछ आपको बहुत ही बड़े से बहुत ही शानदार से टेल लैंप्स देखने को मिल जाते हैं। सिट्रन का लोगो यहाँ पे, प्लस सिट्रन लिखा हुआ है, इस साइड लिखा हुआ है बसाल्ट, यहाँ पे प्योर टेक जो इसके इंजन का नाम है, जो टर्बो वाला इंजन आपको देखने को मिल जाता है। हाई माउंट ब्रेक लैम्प विद आपका रियर डीफॉगर, कूपे कार है जैसे सेडान कार्स में होता है, वाइपर की ज़रूरत आपको इसमें नहीं है। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स की अगर आप बात करेंगे, दो आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं विद आपका रिवर्स पार्किंग कैमरा फैक्ट्री फिटेड ही, प्लस ऊपर आ जाता है आपका शार्क फिन एंटीना एंड दैट इज़ आल्सो इन पियानो ब्लैक, सो मिरर्स के साथ ये मैचिंग में है, पियानो ब्लैक कलर का ही आपको देखने को मिल जाता है। प्लस यहाँ पे ये टच थोड़ा देखिए, ये बहुत ही बढ़िया सा यहाँ पे भी एक पूरी चिपकी इसी यहाँ पे रूफ रेल देखने को छोटी सी मिल जाती है आपको। प्लस जो है फ्रंट वाइपर्स अगर आप देखेंगे, उनके स्प्रेज जो हैं वो भी बिल्कुल यहाँ पे नेकेड नहीं है, सो वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। सो ओवरऑल हमने अभी जैसे इसका वॉक राउंड जो है वो कर लिया है, सो अब हम बात करते हैं आगे की यानी अब इसके इंटीरियर में बात करी जाए। सो जैसे कार जो है अनलॉक हमने कर रखी है, सो यहाँ पे आप देखेंगे पार्किंग लैंप जो है वो बंद कर लेते हैं ताकि बैटरी पे ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। इस साइड आप डोर्स देखेंगे, डुअल टोन में आपको डोर्स देखने को मिल जाते हैं, वाइट के साथ आपको ब्लैक कलर ये आ जाते हैं। इसका पावर विंडो के स्विचेस, चारों पावर विंडो के स्विचेस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं सिल्वर गार्निश के साथ। यहाँ पे हैंडल लीवर ये आ जाता है, 1 लीटर का बॉटल होल्डर का स्पेस अच्छा खासा यहाँ पे स्पेस देखने को मिल जाता है। प्लस यहाँ पे आप देखेंगे हाइट एडजस्टेबल, मैनुअली हाइट एडजस्टेबल आपको सीट्स देखने को मिलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। इस साइड आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन, पावर विंडो का लॉक यहाँ पे आ जाता है, और भी हम इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल आ जाते हैं उसके लिए। इन नीचे जो आप देख रहे हैं ये आ जाता है लाइट लेवलर। इस साइड आपका आ जाता है पूरा की होल, राइट साइड देखेंगे इंडिकेटर एंड हेडलैम्प के स्विचेस, लेफ्ट साइड देखेंगे सारे वाइपर के स्विचेस। यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा यहाँ पे लेदर अपहोल्स्टरी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। अब बैठते हैं हम कार के अंदर, सो डोर ओपन है वहाँ पे वो लिखा आ रहा है। कार को अगर हम ऑन करके देखा जाए ताकि जो है मैं अच्छे से यहाँ पे इसको कवर करके आपको दिखा सकूँ, सो चाबी पॉकेट में से निकाल लेते हैं। ओके सो ये रही चाबी, इसकी फ्लिप की आपको देखने को मिल जाती है जैसे मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से जो है सबसे पहले अगर आपने मिशन ऑन करी, सो यहाँ पे सिट्रन की बैजिंग, अच्छा खासा C3 एयरक्रॉस वाला ही आपको स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है यहाँ पे। फिर थोड़ी सी वार्निंग आ रही है, एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले आपको मिल जाता है वायरलेस ही, अच्छा खासा टच रिस्पॉन्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। एंड अगर मैं आपको इसके स्पीकर सुनाऊँ, सो बहुत ही शानदार यहाँ पे आपको स्पीकर्स भी देखने को मिल जाते हैं। इस साइड देखेंगे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम वो सब आ रहा है। यहाँ से थोड़ा सा मैं अगर जूम करके आपको दिखाऊं, सो वो सब आपको देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ से जो है ये वाले से जो है ये सब मैनेज कर सकते हैं, ऐसा कुछ स्टेयरिंग के आप थोड़े व्यूज चेंज कर सकते हैं, ऐसे कुछ ये धीरे धीरे चेंज होते रहेंगे। सो ये बढ़िया चीज़ है, ये सब आपको यहाँ पे डाटा वगैरह भी आ जाएगा, कितने किलोमीटर चल चुकी है ये सब उस सब के बारे में। मेन्यू पे क्लिक करते हैं, व्हीकल स्टेटस आ जाता है, उसमें क्या होता है ओवर स्पीड अलर्ट है ये आप बंद कर सकते हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। रिमोट अनलॉक, मिरर्स वगैरह उस सब का भी यहाँ पे आपको, ऑटो फोल्ड वगैरह जैसे यहाँ पे ऑफ हुआ है सो ये अब हम ऑन कर देते हैं, जो लॉक अनलॉक के साथ ये होते रहेगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। प्लस यहाँ पे बटन्स बहुत अच्छे दिए हुए हैं जिससे आप आराम से ये जो है चीज़ मैनेज कर सकते हैं। तो इसको फिलहाल हम कर देते हैं यहाँ से बंद। नो, जैसे हमने नो करा डू यू वांट टू कंटिन्यू द सिस्टम, मैंने उसको नो कर दिया तो वो बंद हो गया। इस साइड ऐसे कुछ आपको एसी वेंट्स देखने को मिल जाते हैं अच्छे खासे,
कार जो है शायद से हमें ऑन ही कर लेनी चाहिए बिकॉज गर्मी जो है बहुत ही ज़्यादा है। तो देखिए कार जो है ऑन हो गई है पूरी, एसी की आवाज़ आपको ज़्यादा ना आए, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको देखने को इसमें मिल जाता है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बंद है वो यहाँ पे आ रहा है, इस साइड प्रॉपर आपके हेडलैम्प्स के आ जाते हैं, साथ ही उसकी ब्राइटनेस कम हो गई है। बाकी ये इंडिकेटर्स थोड़ा सा पकड़ेंगे 3 times आ जाते हैं। इस साइड आते हैं ट्वीटर्स, 4 आपके स्पीकर्स दरवाजों के अंदर। इस साइड ये सारे इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए, ये सारे आ जाते हैं आपके MID को मैनेज करने के लिए। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल अच्छा खासा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ऐसे करके आप इसका टेम्परेचर वगैरह वो सब बढ़ा सकते हैं। एंड ये डिफोगर वगैरह के भी बटन आपको इस साइड आ जाते हैं। चिलर AC है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे भी अच्छे खासे AC वेंट्स देखने को मिल जाते हैं। 12-watt चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे, USB का यहाँ पे, हज़ार लैंप्स का बटन इस साइड, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस नीचे, काफ़ी सारा स्पेस ट्विन कप होल्डर्स के साथ। 6 gear मैनुअल ट्रांसमिशन आपको देखने को मिल जाता है। रियर कैमरे की अगर आप क्वालिटी देखना चाहें तो वो आपको कैसी मिलेगी, उठा के गियर लगता है उसे, देखिए ऐसी कुछ आपको रियर कैमरे की क्वालिटी देखने को मिल जाती है। याद है रियर व्यू मिरर, यहाँ से आ जाते हैं अच्छे खासे रीडिंग लैंप्स, इस साइड वैनिटी मिरर, इस साइड कुछ भी नहीं। यहाँ पे मैनुअल हैंड ब्रेक आ जाती है, ये आपकी स्लाइडिंग वाली आर्म रेस्ट, जिसके अंदर ऐसा कुछ स्पेस देखने को मिल जाता है। इस साइड आप देखेंगे यहाँ पे इन्होंने पियानो ब्लैक सा टच दिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। इधर इस साइड भी लेदर का टच जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ से आप लॉक कर देंगे, सारे सेंटर लॉकिंग हो जाती है। इस साइड सिल्वर का टच बहुत ही शानदार सा, यहाँ पे भी थोड़ा न्यू सा इसके साथ मैचिंग का ही इन्होंने यूज़ करा है यहाँ पे थोड़ा सा ट्रीटमेंट। ग्लव बॉक्स में अच्छा खासा डीप सा आपका ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है, जेन्युइनली काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। सीट्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, सीट बेल्ट्स पे देखेंगे सो ये लगा हुआ आ रहा है, सो ये मतलब आपके कॉलर्स वगैरह ख़राब नहीं होने देगा जल्दी से, सो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है, बट इसको थोड़ा सा ऐसे करना पड़ता है। हेडरूम वगैरह देखेंगे काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है, ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी पीछे तक भी, बिकॉज काफ़ी स्पेशियस कार बनाई है जेन्युइनली इन्होंने। अब अगर जो है कार को हम बंद करके अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है, जैसे जिस पे मैं चलाऊंगा यूजुअली कार, सो मैं ऐसे बैठ के आराम से इस कार को चला सकता हूं। सो अब देखते हैं पीछे मेरी हाइट का कोई बंदा बैठा है 5'10" 5'11", उसको पीछे कैसा कुछ स्पेस देखने को मिलता है। आइए चलते हैं बैक सीट पे। एंड बैक सीट की एक और खासियत जो मैं आपको बता रहा था वो है कि आप आराम से जो है इसके अंडर थाई सपोर्ट जो है उसको भी इंक्रीज कर सकते हैं, सो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। सो अब हम इसके अंदर जैसे अगर हम बैठेंगे, सो ये देखिए एम्पल लेग रूम, एम्पल नी रूम आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अंडर आई सपोर्ट भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। रियर AC वेंट्स आ जाते हैं, सो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है जिनको हम ऑन एंड ऑफ यहाँ से कर सकते हैं। स्लाइडिंग वाली पूरी आर्म रेस्ट, नीचे साइड 2 आपकी USB चार्जिंग पोर्ट्स, यहाँ पे स्कूप डाउट सीट्स भी थोड़ी सी यहाँ पे मिल जाती है, प्लस यहाँ पे मैगजीन होल्डर दोनों साइड ही। अच्छा खासा यहाँ पे ट्रीटमेंट रियर में भी आपको मिल जाते हैं, हेलोजन वाले ही रीडिंग लैम्प, ऐसा कुछ यहाँ से पूरा इंटीरियर जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार चीज़ है। अच्छे खासे यहाँ पे मिल जाते हैं सेंटर आर्म रेस्ट विद आपका ट्विन कप होल्डर, यहाँ पे आप कुछ और भी रख सकते हैं। स्पेशियस कार जो है काफ़ी ज़्यादा है। एंड अब जो बात करते हैं कि अंडर थाई सपोर्ट वैसे ही काफ़ी बढ़िया है, तो मैं आपको दूसरे मॉडल में दिखा दूंगा वो कि आपको प्रॉपर जो है वो सेट करने का कैसे होता है, आप उस चीज़ को है बढ़ा के सेट कर सकते हैं। सो देखिए जो मैं आपको बता रहा था, सो यहाँ से जो है आप ऐसे करके इसकी जो अंडर थाई सपोर्ट जो है एडजस्ट कर सकते हैं, सो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। सो ये देखिए ऐसे आप नीचे से ऊपर ये कर सकते हैं, सो ये बहुत ही यार शानदार मुझे चीज़ लगी कि अगर किसी को बैठना है वो आराम से इस पर बैठ सकता है। बेंच टाइप पूरी आपको सीट देखने को मिल जाती है, प्लस ये है ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट, तो अगर आप वो देखना चाहें ऑटोमेटिक कैसा लगता है यहाँ पे, सो देखिए ऐसा कुछ आपको ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है। फिर आपका मैनुअल करना चाहें सो ऐसे भी आप यहीं से कर सकते हैं, सो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। रियर डोर्स में भी अच्छा खासा यहाँ पे 1 liter का बॉटल होल्डर का स्पेस है, ऐसा कुछ पूरा देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इसकी रियर से ट्रंक में कितना कुछ आपको स्पेस देखने को मिलता है। सो कार जो है अब हम यहाँ से खोलते हैं। ओके, सो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट आपको ये मिल जाता है, इसको प्रेस करके खोल सकते हैं। ये भी पूरे आपको LED ही नंबर प्लेट के बल्ब मिलते हैं। सो देखिए द स्पेस इज क्वाइट गुड, बहुत ही शानदार आपको स्पेस देखने को मिल जाता है। बेंच टाइप फोल्डिंग सीट है, नीचे साइड आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है। जिसके प्रोफाइल की बात करेंगे सो वो आ जाता है 185/65 15 inch का स्टील रिम। सो ये जो है यहाँ पे भी आपको एक लगेज लैंप मिल जाता है, वो भी पूरा LED यूनिट विद आपका पार्सल ट्रे, जिसपे आप अच्छा खासा सामान जो है वो आराम से रख सकते हैं।
सो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। एंड ये जो है कूपे है, सो इसकी डिक्की थोड़ी सी ऊपर जाके होती है, सो यहाँ पे स्पेस दिया है, आराम से पकड़ के आप इसको बंद कर सकते हैं। ये काफ़ी हैवी भी लग रही है, अभी अच्छे से हुई नहीं है, अच्छे से इसको बंद कर देते हैं। सो ये काफ़ी ज़्यादा शानदार चीज़ है। ये आ जाता है इसका पूरा टर्बो इंजन, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी पावर डिनोट करता है। हमने C3 एयर का उसके टाइम भी देखा था, बहुत ही अच्छा पावरफुल, ये 25 इंजन आपको लगेगा। सो अब हम बैठ चुके हैं सिट्रन बसाल्ट के अंदर, ये है इसका टर्बो वाला वेरिएंट, टॉप एंड वेरिएंट है ये, इसको चलाएंगे। आज है हमारे साथ मिस्टर साहिल। सो साहिल सर सेल्स मैनेजर हैं सिट्रन में, सो ये हमारी आज हेल्प कर रहे हैं इसके लिए। एंड साहिल सर का मैं नंबर भी दे दूंगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में। सर प्लीज़ जो भी हमारे रेफरेंस से आए उनको जो बेस्ट हो सके आपकी तरफ से वो डील दीजिएगा एंड बेस्ट असिस्टेंस दीजिएगा। ठीक है, माय नेम इज साहिल वर्मा, मैं चंडीगढ़ अपना हब देखता हूँ। ठीक है, सिट्रोइन का तो जस्ट अभी सर ने बताया जैसे कि कूपे लॉन्च हुई है SUV प्रॉपर, ये फर्स्ट है हमारी जो कूपे सिट्रोइन में लॉन्च हो चुकी है। बिल्कुल, जस्ट प्राइसिंग की अगर मैं बात करता हूँ आपको 7.99 से स्टार्टिंग है फर्स्ट मॉडल, जो कि यू मॉडल से स्टार्टिंग है हमारी। सेकेंड हमारा है अपना 9.99 से स्टार्टिंग है, यानी कि 10 लाख का, जो कि अपना बजट में आपको एक कूपे गाड़ी मिल जाती है, जो कि इंडिया का फर्स्ट सेगमेंट है। इसमें जो फीचर्स देखते हैं आपको ऑटोमेटिक एसी मिलता है आपको जी, प्रॉपर रियर एसी वेंट्स आ जाएंगे, एसी वेंट्स आ जाएंगे प्रॉपर, जो कि हमारी C3 में नहीं था, आपको प्लस पॉइंट मिल जाएगी। बिल्कुल, 16 इंच की आपको अलॉयज मिल जाते हैं इसमें, मतलब आपको हैंडल्स आ जाएगा आपको पकड़ने के लिए, पहले जो कि C3 में नहीं था, उसमें भी नहीं था, मतलब एडवांस हो चुके हैं हम। और अगर हम देखते हूँ प्रॉपर एक स्लाइडिंग आर्मरेस्ट मिल जाएगा आपको इसमें जी, और उसमें स्पेस भी काफी ज्यादा बढ़िया इन्होंने दिया है, स्पेसिंग आपको अच्छी मिल रही है, बल्कि प्रॉपर काफी अच्छी मिल रही है, ड्यूल टोन बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप देखें, आप वैसे आप विजिट कर सकते हैं चंडीगढ़ में, फेस वन है हमारा प्लॉट नंबर 17। ठीक है, एंड मैं एक ये चीज देख रहा था कि सेफ्टी पे इन्होंने काफी काम करा है, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड कर रहे हैं, हर एयरबैग हो चुके हैं जो कि हमारी C3 में नहीं था। ठीक है, अब 6 एयरबैग्स के साथ मिलेंगे, आइसोफिक्स चाइल्ड एंकल्स मिल जाएंगे चेयर के साथ आपको, ईबीएस विद ईबीटी मिल रहा है आपको। ठीक है, ये फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं इसमें। एंड प्लस मैं ये देख रहा था पहले जो है इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल मिरर्स भी नहीं आते थे C3 के अंदर, अब जो कि फोल्डेबल आ गए, फोल्डेबल आ गए मिरर्स हैं जी जी जी। सो ये यार मतलब देखिए कार कंपनी वही होती है जो आपकी फीडबैक पे काम करे, एंड सिट्रन ने काफी अच्छे से ये चीज पे ध्यान दिया है कि लोगों को जो भी कमी लग रही थी ना इन्होंने उन सब चीजों पे काम करा है। सो अब चला के देखते हैं ये कार। सो अगर सर मैं इसकी एवरेज की बात करूँ, कंपनी क्या क्लेम कर रही है इसकी एवरेज? इसमें ना दो ट्रांसमिशन आते हैं हमारे पास, ठीक है, नॉन टर्बो एक टर्बो है। टर्बो की अगर मैं बात करता हूँ आपको 18.5 है, ठीक है, प्रॉपर आप एवरेज आप ले सकते हैं बाय रोड पे, और जो कंपनी क्लेम करती है, और नॉन टर्बो में आपको 19.5 मिलती है। ठीक है, तो देखा जाए यार काफी ज्यादा बढ़िया है, एंड थोड़ा सा अगर हम पुश भी करके देखें टर्बो इंजन, सो ये देखिए इसकी पावर भी बहुत अच्छी है, पावर की अगर मैं बात करता हूँ 110 इसकी पावर मिलती है, ठीक है, और 190 इसका टॉप लेवल है। मतलब देखिए अभी मैं थर्ड गियर पे हूँ एंड मैं आराम से 90 तक जा रहा हूँ, तब भी कार जो है बिल्कुल स्ट्रगल नहीं कर रही है। सो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है ना। सो बाकी जो है कार जो है SUV कूपे है, बट जो इसका टर्निंग रेडियस जो है काफ़ी कम है, सो आराम से आप जो है इसमें यू टर्न भी ले सकते हैं, कोई आपको ऐसी दिक्कत नहीं आएगी पार्किंग वगैरह में भी। एंड जैसे आप मेरी हर वीडियो में देखते होंगे, मुझे ऐसी कार्स बहुत पसंद है जिसके अंदर हुड जो है वो विजिबल होता है। सो देखिए यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, सो इंडियन रोड्स में इंडियन कंडीशंस में आपको आराम से पार्किंग वगैरह में दिक्कत नहीं आएगी। एवरेज की हम बात कर चुके हैं, दो आपको ट्रांसमिशन मिल जाते हैं मैनुअल एंड ऑटोमेटिक, जो ऑटोमेटिक है वो भी आपका 6 गियर है, ऑटोमेटिक हमारे 6 स्पीड गियर से है, वो 80 ट्रांसमिशन के साथ मिलता है, टॉर्क कन्वर्टर बेसिकली। अच्छा CVT आ जाता है, टॉर्क कन्वर्टर आ जाता है उसके अंदर? नहीं 80। अच्छा 80। अच्छा ठीक है तो ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको मिल जाता है अच्छा खासा, जिसमें आपका अगर मैनुअल करना चाहें तो वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। मैनुअल वाले मैं थोड़ा सा क्लिप यहाँ पे पा दूंगा, सो वो आप आराम से मैनुअल में भी स्विच कर सकते हैं, सो वो काफी ज्यादा बढ़िया चीज है। प्लस जो है आपको हमारी जो स्टार्टिंग है 1279 से स्टार्टिंग है, प्लस मॉडल आता है 80। अगर आप मैं टॉप की बात कर लेता हूँ, जो टॉप आपको ऑटोमेटिक मैक्स में मिलता है आपको 1362 का मिल जाएगा, 1362,000 का आपको एक शोरूम पड़ेगा। अच्छा तो ये काफी ज्यादा, मतलब 1362 अगर एक शोरूम है दैट मींस 14 पॉइंट आराम से 14 14.5 के आराम से मिल सकता है आपको ऑन रोड। सर ये काफी ज्यादा बढ़िया चीज है।
बाकी जो है अगर आपको कोई भी कार से रिलेटेड क्वेरीज हो या कुछ भी आपने पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, अगर मुझे पता होगा मैं बता दूंगा, वरना मैं आपको सर से पूछ के कंफर्म कर दूंगा जो भी जैसे रहेगा। एंड अगर आपने शोरूम विजिट करना है सिट्रन का, सो आप आराम से आ सकते हैं, शोरूम का एड्रेस विद आपका कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे दूंगा, सो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आपके लिए रहेगा। सो 3 सिलेंडर आपको टर्बो इंजन देखने को मिल जाता है, एंड जो मैं ओवरऑल एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ना कि कार स्मूथ बहुत है चलाने में, तो देखिए खड्डे वगैरह भी आराम से ये ले लेती है, सॉफ्ट साइड पे सस्पेंशन है, सो वो बढ़िया चीज़ है। प्लस आपको फीचर्स की बात करेंगे, डिजिटल पूरा आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, 10 इंच का, 10 इंच है ना ये, 10 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस मिल जाता है आपको, सो वो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड हो चुके हैं, सो सेफ्टी में भी अब जो लोग काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट करते हैं इस चीज़ को कार की सेफ्टी पे, सो वो देखिए आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिल रहे हैं, चाहे आप बेस वेरियंट लीजिए उसमें भी आपको मिल जाएंगे, सो और आपको क्या चाहिए। सो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको जल्दी जल्दी नए से नए अपडेट मिलते रहें, और भी वीडियोस चैनल पे ऐसी आती रहती हैं कार्स एंड बाइक्स की, सो वो भी आप ज़रूर इंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।